दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम में सरफराज खान की एंट्री को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शामिल हुए सरफराज खान तो भावुक हुए। सरफराज खान के माता पिता दे दिया सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के अंदर पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दूसरे टेस्ट मैच के अंदर सरफराज खान की एंट्री भारतीय टीम के अंदर हो चुकी है, जिनमें शामिल होने के बाद उनके माता पिता इमोशनल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने सरफराज खान के टेस्ट टीम में शामिल होने पर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। तो आखिरकार सरफराज खान के भारतीय टेस्ट टीम में शामिल होने पर सरफराज खान के माता पिता ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, सरफराज खान, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले टेस्ट मैच में हैदराबाद के मैदान पर भारतीय टीम को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब भारतीय टीम को दोहरा झटका लग गया है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोट के चलते दूसरे टेस्ट में से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में 2 फरवरी से विशाखापट्टनम के मैदान पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के अंदर सरफराज खान की एंट्री केएल राहुल की जगह पर हो चुकी है, जिसके पास सरफराज खान के माता पिता काफी ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें सरफराज खान की मां तबस्सुम खान ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से अब सरफराज खान को खेलने का मौका मिल रहा है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। मेरे बेटे ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरे क्रिकेट जगत में अपना नाम कमाया है और बताया कि कैसे वो अपनी टीम के लिए अच्छे प्रदर्शन करते हुए अपने देश के लिए खेलने के लिए तैयार है। हालांकि सरफराज खान ने काफी ज्यादा ऊंचाइयों के साथ काफी ज्यादा गिरावट भी देखी है, जिसके चलते उन्हें मालूम है कि उनका बेहतर प्रदर्शन करना कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरफराज खान मेरी नजर से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हालांकि भारतीय टीम में उनसे कई ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे बेटे ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे उम्मीद थी कि उन्हें जल्द से जल्द टीम में शामिल किया जाएगा, जो आज पूरी हो चुकी है। तो वहीं सरफराज खान के पिता नौशाद खान ने बयान देते हुए कहा कि सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल होने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि मेरा बेटा भारतीय टीम की तरफ से खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। सरफराज खान ने अपने बेहतर प्रदर्शन के जरिए पहले भी भारतीय टीम को मजबूती दिलाई थी, लेकिन जब भारतीय टीम की तरफ से वो नहीं खेल रहे थे बल्कि भारत की ए टीम की तरफ से खेल रहे थे और फिलहाल उन्होंने घरेलू फॉर्मेट में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि उन्हें टीम के अंदर जल्द से जल्द मौका मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीच में उनका शामिल न होने पर काफी ज्यादा निराश हम लोग हो गए थे, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे बेटे की मेहनत रंग लाएगी और मेरा बेटा बेहतर प्रदर्शन करने के साथ टीम के अंदर जगह हासिल करेगा, जो आज मेरे बेटे सरफराज खान ने भारतीय टेस्ट टीम के अंदर जगह हासिल करने के साथ की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरफराज खान का भारतीय टीम में शामिल होना भारत के लिए टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर सकता है या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के बाद रविंद्र जडेजा हुए गंभीर रूप से चोटिल, जिसे देखकर तो आपके भी रूह कांप जाएगी। वहीं मैच के दौरान हादसे और टेस्ट सीरीज से बाहर होते देख उनकी पत्नी रिबाबा भी अपने आंसू को रोक नहीं पाई। तो आखिर बीच मैदान में ऐसा क्या हुआ रविंद्र जडेजा के साथ कि पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया? आखिर कैसे रविंद्र जडेजा पहले मैच के दौरान हुए जानलेवा हादसे के शिकार? उनके साथ हुई उस दर्दनाक घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन अक्षय पटेल और जडेजा में कौन सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। टीम इंडिया ने इंग्लैंड से खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में भारत को 28 रन से इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, इंग्लैंड के सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाज ओली पॉप ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। एक समय तो टीम इंडिया एक तरफ तीसरे दिन ही मैच को जीत रही थी, लेकिन इस बल्लेबाज ने मैच का पूरा पलट दिया। एक समय इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज केवल 163 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए थे। उस समय टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ओली पॉप ने खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए पहले तो उन्हें तूफानी शतक ठोका, इसके बाद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से लेकर अक्षय पटेल, अश्विन, यहां तक कि जडेजा और सिराज की जमकर कुटाई करते हुए उन्होंने 150 रन बनाए, फिर भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भारतीय टीम के सामने विशाल लक्ष्य देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे दोहरा शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे बकलीन बोल हो गए और अपना विकेट गवा बैठे। उन्होंने इस पारी में 196 रन बनाए और यहीं पर पूरा मैच पलट गया। दूसरी इनिंग में भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके। केवल 107 रनों के स्कोर पर 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे,
अंत में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन खतरनाक गेंदबाजों ने टीम इंडिया को केवल 202 रनों पर ऑल आउट कर दिया। 28 रनों से इस मैच को जीत लिया। इसके बाद तो इंग्लैंड टीम जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन वहीं भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि भारत के लिए अहम योगदान देने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा मैच के दौरान काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, जिसके कारण वह बेहद ही तकलीफ में है, जिसे देखकर भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी को जडेजा की चिंता सता रही थी, तो दूसरे टेस्ट मैच में अगर जडेजा ना हुए तो फिर टीम इंडिया का क्या हाल होगा। वहीं जडेजा के दर्द और चोटिल होने की खबर सुनते ही उनकी पत्नी रिबाबा भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह जडेजा के लिए फूट फूट कर रोने लगी और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं जडेजा के चोटिल होने से पूरा हिंदुस्तान चिंता में पड़ गया, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 2 फरवरी को विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाना है। मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और रविंद्र जडेजा का होना टीम में बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने गंवा दिया है और इसका बदला लेना भारतीय टीम को बहुत जरूरी है। हर किसी को अब रविंद्र जडेजा की चिंता सता रही है। अब तो देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या रविंद्र जडेजा पूरी सीरीज से बाहर होते हैं या फिर दूसरे टेस्ट मैच में वापसी कर मैदान उतरते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जडेजा की जगह रिंकू सिंह को खिलाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने किया भारतीय टीम का ऐलान। गुस्से से आग बबूला होते हुए टीम के अंदर कर दिए 5 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को मिली हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं। उन्होंने हार के बाद निराश होते हुए टीम के अंदर 5 बड़े बदलाव करते हुए दूसरे टेस्ट मैच की टीम का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे 5 बदलाव किए हैं जिनको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने टीम में कौन से बड़े बदलाव किए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने 28 रनों से हार का सामना किया, जिसके बाद सीरीज में भारतीय टीम पीछे हो गई। और ऐसे में दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से 6 फरवरी तक विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। लेकिन इस बीच दूसरे टेस्ट मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने टीम का ऐलान कर दिया। दरअसल एमएस धोनी ने ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया है, जो कि भारतीय टीम के कप्तान है। हालांकि पिछले मैच के अंदर इन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन अब ऐसी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ कप्तानी की भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने उनके जोड़ीदार के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर काफी ज्यादा शानदार बल्लेबाजी की थी। ऐसे में अब एक बार फिर से उनके ऊपर भी बेहतरीन बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी है, और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने सलामी जोड़ीदार के रूप में कुछ भी बदलाव नहीं किए हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि शुभमन ने कुछ खास कमाल पिछले कुछ मैचों से नहीं किया है और सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन किया था। ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए सरफराज खान की एंट्री टीम में करा दी गई है। आपको बता दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज खान ने काफी ज्यादा जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और ऐसे में अब उनको टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है, क्योंकि गिल कुछ खास कमाल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि विराट कोहली को तुरंत टीम के अंदर शामिल करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने बातचीत की, क्योंकि विराट के बिना भारतीय टीम काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा एमएस धोनी ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए रिंकू सिंह को शामिल किया, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए T20 और वनडे में अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुख्य भूमिका निभाए हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर स्थिति के अनुसार अच्छी बल्लेबाजी और घरेलू फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के कारण टीम में जगह दे दी गई है और श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर श्रीकर भरत को बाहर का रास्ता दिखाते हुए ऋषभ पंत को टीम के अंदर शामिल कर लिया। आपको बता दें, इन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया है। ऐसे में अब ऋषभ पंत को टेस्ट के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर टीम में एक बार फिर से जगह मिल गई है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को बाहर करते हुए शिवम दुबे को शामिल किया। आपको बता दें, पहले टेस्ट मैच के अंदर रविंद्र जडेजा हैमस्ट्रिंग के चलते चोट के कारण टीम से बाहर हो चुके हैं और ऐसे में अब उनकी जगह पर शिवम दुबे को ऑलराउंडर के रूप में टीम के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया है, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया था और ऐसे में अब एक बार फिर उनसे अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने की भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच के अंदर उम्मीद सबको रहने वाली है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी करते दिखाई दिए हैं। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर अच्छी जिम्मेदारी है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने जसप्रीत बुमराह को शामिल
किया जिन्होंने पिछले मैच के अंदर शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हासिल किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज को एमएस धोनी ने शामिल किया है जिन्होंने पिछले मैच के अंदर एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन अब एक बार फिर से उनके ऊपर बेहतर करने की जिम्मेदारी है और अब 11 खिलाड़ियों के साथ महेंद्र सिंह धोनी दूसरे टेस्ट मैच जीतने के लिए उतरेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है?